दोस्तों, देश के गोल्ड मेडलिस्ट पहलवानों के साथ हुआ अत्याचार। एक तरफ जहां किया जा रहा था नए पार्लियामेंट का उद्घाटन, तो वहीं दूसरे तरफ मार पीट कर और घसीटते हुए ले जाएगा रेसलर्स को जेल में। जी हां, बता दें कि कल पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच हुई जमकर हड़प, तो दिल्ली पुलिस ने कर दिया लाठीचार्ज। आखिर देश के पहलवानों के साथ क्यों हुआ ऐसा, क्या है कल के घटना की पूरी कहानी, आइए जानते हैं इस छोटे से रिपोर्ट में। तो बता दूं दोस्तों कि जंतर मंतर इलाके में पहलवानों के चल रहे धरना प्रदर्शन का कल 35वां दिन था और कल 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह भी था, जिसमें महिला मंडल के तरफ से पहलवान भी नए पार्लियामेंट में पहुंचकर वहां प्रोटेस्ट करना चाहते थे, जिसके कारण यह खबर दिल्ली पुलिस को पहले ही पता चल गया था। लिहाजा दिल्ली पुलिस ने बकायदे बैरिकेटिंग कर दी थी ताकि पहलवान वहां उद्घाटन समारोह में शामिल होकर वहां के माहौल को खराब न कर दे, पहलवानों को वहां अच्छी तरह से रोक दिया जा सके। लेकिन बैरिकेट होने के बावजूद भी पहलवानों ने जबरन अंदर जाने की कोशिश की और बैरिकेट तोड़कर प्रयास करने लगे, जिसके बाद फिर मजबूरन दिल्ली पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा क्योंकि वहां माहौल खराब हो सकता था। और उसके बाद फिर वहां से कुछ दूरी पर प्राइवेट बड़े से घर को जेल में तब्दील कर एक एक कर रेसलर्स को बस में बिठाकर अंदर कर दिया गया और उस दौरान पहलवानों के जबरदस्ती के कारण मारपीट भी हुआ। तो दोस्तों, क्या दिल्ली पुलिस को पहलवानों के प्रति ऐसा व्यवहार करना उचित था? क्या उन मेडलिस्ट रेसलर्स जो देश के लिए मेडल लाए, देश का सम्मान बढ़ाए, गौरव ऊंचा किए, उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करना सही है या गलत? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।